हे यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम बहुत ही सरल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से पियानो लर्निंग करने वाले हैं या कीबोर्ड लर्निंग करने वाले हैं। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, हाथ रखने का तरीका बताऊंगा और बहुत सरल तरीके से आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, साउंड को कैसे प्ले कर सकते हैं, आपकी बैठने की पोजिशन क्या हो, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और एक सवाल और दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि आप किस एज तक के बच्चों को सिखाते हैं या किस एज तक के हम लोग सीख सकते नहीं, कई 60+ मेरे पास सीख रहे हैं, जो जिनका क्वेश्चन ये रहता था कि हम रिटायर्ड हो गए हैं या फिर हम लोग इस फील्ड में सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली एवरी एज ग्रुप, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन हो वो सीख सकता है, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी सीख सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे और बहुत ही सरल तरीके से हर चीज क्लियर करते हुए एक स्टेप के साथ मैं चैनल शुरू कर रहा हूं और आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइस, तीन ऐसी एक्सरसाइजेज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं जो बहुत इजीली, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली आपको स्ट्रेचिंग में, फिंगर स्ट्रेचिंग में, आपकी फिंगर स्ट्रेचिंग में मदद करेंगी। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इन एक्सरसाइज को करा, ये हेनन एक्सरसाइज है पियानो बजाने के लिए, हेनन पियानिस्ट की एक्सरसाइजेज, जो हेनन थे उनकी एक्सरसाइजेज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको कीबोर्ड बजाना है। और मैं आपको सही तरीके से गाइडेंस करूंगा तो आपको, अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए आगे फिंगर मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ये है। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको पता है मिडिल सी, अगर यहाँ हम गिनेंगे तो 15 भी वाइट कीज होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 होगी, इसको मिडिल सी कहता है। कई कई कीबोर्ड में आपके यहाँ भी लिखा होगा कीबोर्ड में या यहाँ लिखा होगा, तो वाइट जो हमारी 15वीं वाइट की आएगी या 15th वाइट की होगी, ये मिडिल सी है। तो इससे पहले वाला ऑक्टिव यानी कि यहाँ, अगर यहाँ से काउंट करेंगे वापस 15 से 15 14 13 12 11 10 9 8, ये जो 8 की है यहाँ पर आपको ये वाली फिंगर रखनी है, 5 4 3 2 1, ऐसे ही सेम 5 4 3 2 1 फिंगर नेम है, 5 5 4 3 2 1, यहाँ भी 5 4 3 2 1 आपको ये रखना। तो यहाँ आपको 5 रखनी है। तो एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ मैं, ये सी डी ई एफ जी ए बी सी करके होती हैं। तो एक्सरसाइज आपकी जो चलेगी वो है आपको 5, पहले राइट हैंड की बताता हूँ, एक एक कीज का गैप करना है आपको, एक की का गैप करना है 5, ये यहाँ पर राइट हैंड पे 1 2 1 2 3 4 5, आपने डी छोड़ दी, क्वाइट कीज छोड़ दी, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 इतना करना है, 1 2 3 4 5 4 3 2, रुकना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए रुक रहा हूँ, आपने कंटिन्यू बजाना है 1 2 3 4 5 4 3 2। अब इस पूरे प्रोसेस को आपको एक स्टेप आगे लेके जाना है, यानी कि इस तरीके से, आप समझ गए, ये एक कीस यहाँ छूट गई फिर यहाँ छूट गई। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। और ऐसे ही आपने लेफ्ट हैंड पे करना है, लेफ्ट हैंड पे आपको क्या करना है, 8 जो व्हाइट कीज है मैंने आप 8वीं व्हाइट कीज आपको बताई, यहाँ पर आपको हाथ रखना है और एक कीज ये छोड़ देनी है और आपको 5 4 3 2 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 2 3 4, ऐसे ये आपको दिख रहा होगा। फिर आपको एक स्टेप और आगे आना है, ऐसे फिर एक स्टेप और आगे आना है, ऐसे करके आपको आगे आते रहना दोनों की से। ठीक है, ये आपको एक एक्सरसाइज ये हेल्प करेगी। दूसरी एक्सरसाइज आपको राइट हैंड से ऐसे करनी है, वही 15 वाइट कीज,
अब आपको वन और थ्री को प्रेस करना है, तो वन थ्री फिंगर से नोट भी 1 3, फिर 2 4 से इनको और 3 5 से इनको, ठीक है, ऐसे कंटिन्यूअसली। आप चाहे वापस भी आ सकते हैं, बाद में ये हाथ ऐसे हो जाना चाहिए। आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक एक्सरसाइज आपको ये करनी है। दूसरी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है कि मैंने आपको गैप बताया था, यहाँ पर गैप बताया था, वो नहीं करना है। 1 2 3 4 5 और बराबर टाइम है 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ऐसे ही लेफ्ट हैंड से भी 5 4 3 2 1 4 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बहुत हल्के बजाना है, फास्ट बजाने की कोशिश नहीं करनी है। इसका ये बेनिफिट होगा कि आपका जो जब आपकी प्लेइंग फास्ट हो जाएगी तो बहुत स्मूथली हैंड चलेगा आपका। आई होप ये एक्सरसाइजेस आपको पसंद आई होंगी। आप जरूर इन एक्सरसाइजेस को करिएगा और उसके बाद रिजल्ट खुद देखिएगा कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है।